वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसे कैसे हो आप अच्छे हो गए, तो आपका स्वागत है हमारे एक और नए बढ़िया से व्लॉग में। तो गाइज दो दिन तब व्लॉग को नहीं आ रहा था, उसके लिए सॉरी। कोई बनाने मतलब जी भी को नहीं कर रहा था, क्योंकि रोज रोज एक ही चीज़ दिखानी। फिर मैंने सोची भाई आर्डर है वहाँ, तो यह चीज़ दिखाऊंगा और तो क्या दिखा सका। बट आज हम चलेंगे आपको लेके बाहर, और बाहर को जाके तुमने व्यू दिखाऊंगा कि सो है के कुछ। मैंने सोची है कि मैं पक्की वीडियो बनाऊंगी, फौजी साहब ने थोड़ी शर्मा, बट हम शूट करके लेके आऊँगा, ठीक है। और क्योंकि एक दो सामान लेके आना है जाते हैं। तो गाइज आज अपना व्लॉग मस्त रहो, तो देखियो तमी और मस्त डुप्लीकेट रही अपने देखो। और ईद दुआ पी कुर्ता, तो चलो गाइज जुट जाते हैं काम का भी। पहले तो काटू ही बारी, फिर बर्तन दूंगी, फिर कुर्ता दूंगी, फिर मारूंगी पोच और फिर नहाऊंगी। और एक बाड़ो मेरे लिकट रहे हो है फिर दिखा दो कमेंट करके एक बाड़ो कट गए। तो भाई उस दिन चलो उस दिन मैं रास्ते में याद आया था। तो गाइज चलो स्टार्ट कर देते हैं अपना काम, और अभी अपना बिखरा हुआ है सब कुछ, और बाद में देखना आपको एकदम मस्त चकाचक घर मिलेगा देखने के लिए, ठीक है गाइज। और गाइज मैंने कुछ पैकिंग वैकिंग करनी है, तो हम ही पैकिंग करके कित जाऊंगा, तो हम पूरा व्लॉग देखिए फिर बैठ जाओ, ठीक है। हाँ तो हमारा बिखरा पड़ा है सब कुछ, अभी ताम जाम को उठाएंगे। देखो भाई रसोई भी जमा खिंडा बिंडा रखी है, और यहाँ पे भी सब कुछ ऐसा वैसा तहस नहस कर रखा है फौजी साहब ने। और गाइज यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ पड़ा है। तो गाइज थोड़ी देर में मिलते हैं, आपको दिखाती हूँ। मैं घंटा मैं बारी काट दूंगी, बर्तन भी धो दूंगी और ये सेट कर दूंगी, आधा घंटा में कर दूंगी सब तो। और फिर कपड़ा धोगी, पोचो मारूंगी, फिर पोचो मार के फिर दिखाऊंगी आपने मेरे दोबारा तक घर किसो लागे है। और नहाऊंगी देखो, पहला नहाऊंगी पाछे नहाऊंगी, भाई मैं नहाने को जी कौन कर कुछ तो ठंडो पानी है। अरे यार थोड़ी सिलाबी भी होने जाते, मन लागे राड लेनी पड़ेगी, मेरे काम चल रहा। तो चलो गाइज अभी बिना टाइम वेस्ट किए लाग जाऊँ अपने काम के, और मिलेंगे आपने थोड़ी देर में। पूरा व्लॉग देखे, कंप्लीट व्लॉग देखे, दो दिन ना आए उसके लिए सॉरी भाई। वो तो मैं कमेंट भी ना करो भाई, व्लॉग क्यों नहीं आ रही बस के तम भी वो हो गया के। तो चलो गाइज थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। सारा काम डन है अपनों, मैंने सारा काम कर लियो, अभी 10 बजा है, तो देख ले मैं 8 बजे ला गई थी, 2 घंटा में सारा काम कर दियो। कुर्ता धो दिया, पोचो मार दियो, बर्तन धो दिया, बारी काट दी, और ईब अपनी पैकिंग शुरू कर देते हैं गाइस। और उससे पहले मैं दिखाती हूँ भाई अपना, देख कितना गंदो हो रहा था मैं जब तुमने दिखाई रही देखिए था किचन से। ये देखो आज तो सुबह सुबह चाय भी लेकर इस पर ही पुंज मैंने, तो देखो कति चमा चमक रहा है ना। बर्तन भी अपन धो दिया, ओह सॉरी तब ना कह दी कैम दर चिकम, वैसे ये यूज में ना आवे वो आड़ा दर आया करूँ मैं, वो बाई मिस्टेक उड़ दर मैं, वैसे दो रखे हो साबण ते। और अपना जूता जाता था नड़वे बंबाने गामड़ो लगाने का दरियाई अज, और ये आड़ में उधर रखे हैं क्योंकि बराड़ा आलो पड़े वांगन, तो सुखे पास धरूंगे ना। तो गाइस अपनी किचन डन है देखो, और आज हम के बनाऊंगा खान में वो भी दिखा देंगे। और ये देखो इस रूम ने भी कति जमा सेट कर दियो है, क्यों कर ठंडे पड़े तड़की। और ये देखो ये आड़ आलो पड़े जमा, और ये वो दिखाती हूँ आपने, ये देखो ये भी डन है। और ये बापी करांगा पैकिंग, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी पैकिंग। और बाहर ने कपड़ा सुखन लग रहा है, ये मेरा ही है सारा अपना ही है जो सुख है, रोड दिता दे रहा है मैं सारा मैच पे दिखेंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा दिखता हूँ, तो भी रोड दे रहा है मैं अपना सारा कपड़ा सूख जाऊँगा, आज बढ़िया काम लिखट रहा है। अभी पैकिंग स्टार्ट करते हैं, मैं याडा अपना वो कर दी हूँ फ़ोन सेट कर दी हूँ, और व्लॉग बनी जाओगे वो इस बाद में लगाऊंगी, क्योंकि व्लॉग की थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना, क्योंकि पैकिंग करते हैं क्या दिखाऊँ तुमने, मैं जो दिखाऊंगी ना वो देखी गई हूँ, तो मैं याद से कैमरा सेट करूँ, ठीक है। तो चलो गाइज मैं अपना सामान लिया हूँ, दिखा तो है भाई इसको,
तो गाइस यो इसकी पैकिंग तो गाइस एक तो डन हो गया और नीचे तो फिर रुकनी है वो भी सड़क पर मनु खुला गई थी मैं बिगड़नी पड़े तो भाई अपनी सारी पैकिंग डन है और भाई पैकिंग करके आप जाओ कितने भी मैं मजाक करूँ थी ये इसलिए दे रहा है भाई बैग में गाल की आड है देखो वो बैग ऑलरेडी पैक है ठीक है इसमें पहला मैं कपड़ा घाल रखे हैं कोई सर्दिया का है और फौजी साहब का है और इसमें भी जो एक्स्ट्रा था भी घाल दिया और ये अड़े तो सामान दे रहे हो भाई और ये अपना बैग वाग सब मतलब डन कर रखे हैं अंदर की नाड़ है और वो उसमें पैक नु कर कपड़ा कि भाई एक्स्ट्रा ड्रेस जो कि मतलब उस अलमारी थी उसमें है सीलन ज़्यादा जिसका कारण उसको भूफण सी आ जाएगा बाबा तो उसके कारण है ना मैंने सारा कपड़ा दोबारा तो धोना पड़ा है मैंने जितनी भी ड्रेस थी ना चार पांच जोड़ी है सारी दोबारा तो धोगी बढ़िया डाल सुखा के परहेस कर दिया अभी इसमें दर दिया ताकि ये खराब ना हो और यूज़ करना होगा जब निकाल जाऊँगा और जो यूज़ आ रहा है वे बांधने से ही और ताकि घना कपड़ा बांधना पड़ता हंडे खराब भी हो ना बार बार धोना पड़े हैं बिना पैरे भी जब तक मैंने इसमें गल करती है ये तो भाई अपने करा काम और गाइस आज बनाऊंगा पोहा क्योंकि बढ़िया आज कई दिनों का पोहा खाई तो पोहा खावांगा आज दो पीना हो गया हमने पोहा खाई वैसे गिरी तो बना लिया करता अड़ा बनाया कोई नहीं लिया तो रखे आज बनाऊंगी तो इस अलमारी कर दें आप ही बंद और इसमें है सीलन कम और पेपर वगैरह तो अड़ा भी चिपका रखे लेकिन बैग में तो खराब हुए कोई वो प्लास्टिक बैग नहीं ना हो उसमें खराब तो चलो गाइस अभी चलते हैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको वो अलमारी सही कर दी जमा और यो भी खाली हो गए ऊपर ही पड़े थोगा बाबा है और ये मैं अपनी अलमारी में दे दी मेरा कपड़ा ही और चलो गाइस अभी चलते हैं ये तौलिया और देखो बाहर ना जगह होंगी तो सुखानी की ओर सुखाऊंगी और चलो चलते हैं बाहर अभी और देखो लाडू बच रहा थोड़ा सा मन गणा ही खा लिया खा लिया भाई मन भूख लग जो स्वाद लग गई भाई मैं बाहर तो आएगी उल्टी बाहर हो रही कुश्ती गर्मी क्योंकि बढ़िया काम निकल रहा है कड़क को जिसका कारण गर्मी हो रही है देखो पसीना दिखता हूँ तो फिर मैं आड़े आ गई तो व्लॉग थोड़ी देर दोपहर पाँच मम जाऊँगा बाहर तो मैं सोच रही हूँ व्लॉग बड़े हो गए तो देखी जाओगी चलो इसे मैं शूट कर देवा मैं दोपहर इसने एडिट करके गेट दूँगी और देख लेता मैं और जो बाहर जाऊँगा वो अलग व्लॉग रहोगे ठीक है तो बाहर की मार्केट दिखाऊँगा तुमने तो चलो गाइस मिलते हैं अभी फौजी साहब के आने के बाद नहीं उनके आने से पहले ही मिल लेंगे अभी पोहा बनाऊँगा ना जब ठीक है तो गाइस मैंने वीडियो देखी थी तो मेरा आगे यूट्यूब पे एक बूंदी बनाने की वीडियो आ गई तो मैं सोची ट्राई करके देखा तो चलो गाइस मैं सोची तमीन भी दिखा दी किसी बने हैं फर्स्ट टाइम यूज कर वो फर्स्ट टाइम ट्राई करूँ भाई किसी बनेंगे तो मैंने बेसन लियो गाल मैं चलो ट्राई करूँगी मैं फोर्थ सेट मार दी मैडे तो गाइस ये अपनी जर्स है उन्होंने दूसरी जर बताई थी उस जर में भी रहा वो गेरे नहीं बैटर जो बनाऊंगा तो फिर उसका सही बना है तो फिलहाल मैंने वो ले लिया बेसन है मारा इतना ही बच रहा था सारा गालती हूँ इसमें थोड़ी इतना है तो थोड़ा ड्राई मारा और भाई इस खातर चाहिए यहाँ पर है जो तो सामान चाहिए ना तुम बताया दूंगी तो पहला तो बेसन ले लियो सीधे बेसन और कि मेरे को मिला है इसमें और थोड़ा उसको इसमें पड़ा वो मिठा सोडो बस चुटकी भर ज़्यादा नहीं बस थोड़ा उसको तो भाई सामान तो मैंने सारे ले रखा बस थोड़ा उसको ही गिरेगा
इतना सो पड़ा है बस, क्योंकि इस साइड से दस्त भी लाएंगे हमने सुनी है ज्यादा वो गेट दे दो हंसने की बात भी है लेकिन सच्ची बात ठीक है। तो ये बीच में गिरा है अपनी कलर फूड कलर लेके ही थी उस दिन जलेबी बनाई थी ना तो खुला ही बनिया तो करड़ी बंद कर रहा तो देखो लड़ना चक्कर में खंड ना जाए सारा खुल तो गई भाई। तो इसमें भाई थोड़ा सो पड़ा हो मामूली सो क्योंकि इसमें कलर ज़्यादा आ जाए तो अपन ये कर दिए इसमें गैल दिए है। और ये भी इसको बनाना अपन पतलो पतलो बैटर पूड़ा बनाया करना है उससे थोड़ा सो फालतू पतलो बनाया वो शायद तो मैं इसमें मिक्स कर दी हूँ पानी यूज हो वो बुढ़ा देख ही जाओ तुम पास में दिखाया जाता है ठीक है। तो वही शुरुआत तो कर दी है बनेगी किसी भी रकम और यो बेसन भी तो नोए है जग भी आपका आए थे यो फूड कलर नहीं सो वो है जो माँ मतलब थोड़ा सो गेट दी सो कलर आ रहा है इसमें ज़्यादा ही पड़ गई मैं तो बूंदियाँ और रंग लाल हो गए पेड़ की जगह लेकिन ठीक है मोती चूर का लाडू बन जाए तो थोड़ा सो तो कलर करूँ भाई थोड़ा थोड़ा पानी गिर भाई कद एकदम हो गेट दी सो गेड़ना हो भाई उस जर एक वो पतलो में दिन तो वो है घी आकस भाई उसमें गले कट जा चीज तो बनानी चाहिए लिया और मैं तो देसी घी लियो भाई क्योंकि उस घी में को बनाया ना रिफाइंड में स्वाद देना होगा। तो वही देखो इतना पतला पतला बनाना है ताकि उस जर्म के निकट जाए तो मेरे हिसाब से ठीक बन रहे हो बेटर तो चलो गाइस अभी मैं हाथ धो लेती हूँ चम्मच से गिरूंगी उसमें ठीक है ये बढ़िया डाल बनेगी आप तो गाबा भरी और देखी जाएगी मुझे अब चिट्टा ला देना तो चलो गाइस मैं हाथ धो लू एक बार फिर दिखाती हूँ आपने बना के किसी बनेगी और भाई चाशनी बनानी पड़ेगी इस खातर तो चाशनी उधर दू मैं इतने इंडक्शन बदल दी चाशनी तो भाई फोन करूँ मैं यार्ड सेट और मैं चाशनी दर दूँ पहला तो इतना ताकि ये बनाऊंगी नहीं तो चाशनी बन जाएगी और उसमें मैंने घी गैल दी है ठीक है तो मैं गाइस पहला चाशनी कर दूँगी पानी गाल लिया पानी थोड़ी तो भी चाशनी बनाने जी पानी थोड़ा कर चीनी ज़्यादा ताकि तावले बन जाए मैंने भी ज़्यादा चाशनी कौन बनानी क्योंकि मैं थोड़ा बनी भी बैटर ज़्यादा थोड़ी चाशनी बना मैं थोड़ी बनाऊंगी चीनी यूज कर लिया तो गाइस चाशनी बनानी जल्दी है थोड़ी बाकी गैस में चालू करते हैं नहीं बनाना भी हो पर लो गैस चलाओ मैं थोड़ी तेज चल रहा हूँ पर लो मैंने ज़्यादा देखो गाइस कैसी बनी कोई ट्राई तो बढ़िया चाल रही है बात इस पर बैटर बढ़िया डाल एक छोटी चम्मच ले लिया अपने इसमें गैस लिया
और भाई मैं ना तुम भी इसमें का काट दूंगी क्योंकि मैं तो रहना एक बार जर तो नहीं आया फिर उसी जर आया उसमें मुगला मुगला आया है उसी हो है ना तो उसमें बढ़िया बना है लेकिन मेरे तो बक्को नहीं मेरे तो रियाज जर है तो उन मैं किसकी वीडियो देखी नहीं यूट्यूब पर उसने यो भी दिखा रखा भाई इसमें गेरा होना भी तो देखो इसमें छेद सा नहीं है इनके हिसाब भी लिख दिया तो मैं देखूँगा टिकटेंगे तो नहीं भी अपने जो तीयो ज़्यादा लोड तो है नहीं कुछ और मैं जितनी में भी कौन सारा ट्राई मार दी कि इसे कोई चीज़ हो जिसमें निकट जाए बट को नहीं तो मैं इससे मैं ट्राई करूँगी तो अपना घी तय गया है मतलब तैर ला गया है तो आपने दिखाऊंगा एक बार देखो भाई घी अपना तैर ला गया है और ये बैटर रेडी है तो अपन इसो इसो बैटर बनाना है उन्हें इसो ही दिखा रखी थी वही तो इसमें थोड़ा सा मिट्टो सोडो पड़े तो और थोड़ा कलर ठीक है और ये आटा अपनी चाशनी बनने ला गई है इसमें थोड़ा सा पानी और चाशनी मतलब चीनी ज़्यादा गिरे क्योंकि चीनी पानी छोड़ दे है तो ज़्यादा पानी ना गिरना चाहिए जल्दी बन जाए तो चलो गाइस मैं तार लूँ फिर दिखाती हूँ अपना आगे प्रोसेस ठीक है इब के है ना इसमें करके देखो ये होंगे कि चलो मैं हेडफोन सेट करके दिखा रही थी तुमने फोन तो सही सेट हो गया दिखा दूंगी इसमें भी लिखा फोन तो तुम बना सको क्योंकि इसमें लिखन की बात है बाकी तो बने जा रही पले तो ले लिखे गाल नहीं भी तो रही इसमें तो याद है अपन पले याद कर रही इसका कांडा ना या हुआ है जिसका गाल की बना तो घी तक तो हो गया अपना चलो भाई ये भगवान बढ़िया बन गया लेके राम को नाम तो देखते हैं स्टार्ट टपकला टपकला थोड़ी हम ओपन कर गैस बंद तो कर दे भाई ज़्यादा तेज़ आँच नहीं क्योंकि बच जाएंगे इसी तो वह कुछ कुछ इसी तो मंदी आँच मंदी आँच कर दी हूँ अभी मैं इसमें आड़ सीख रही हूँ जो टपका मार रही पर दिख तो बताऊँ मैं बढ़ेंगे मैं तो ना ला मैं लागू पतलो करना पड़ता है कड़े नहीं बोलना है गया भाई मेरे तो यार डाटा गीस का मैं थोड़ा और पतलो करना पड़ा उस साइड क्योंकि ये छोटो भी तो है जो मैं ले रही हूँ बात नहीं होनी भी गाइस चलो गाइस अभी फोन बंद कर दूँ और मैं इसमें तक देख दूँ तो भाई गाइस फाइनली बन तो गई बट बड़ी जद्दोजहद बनी है एक बार बनाऊंगा ना तो मतलब टेस्ट देखूंगी बढ़िया आयो ना तो तुम्हें बताऊंगी और क्या करांगा आपकी बार अगर जब बढ़िया बनी नहीं है तो वो जो मतलब एक जाली सी आवे है तो वह लेके आऊँ भाई क्योंकि उससे तो बन सका इसमें बहुत दुखी हुई क्योंकि इसकी ना नहीं जलती ना तो लिकड़ है कौन थी मुँह कर करके करनी पड़ी तो कोई मोटी कोई पतली नहीं आई है बाकी वह लेके आऊँगा तो बढ़िया आऊँगी बाकी मैं दिखा देता हूँ किसी बनी है देखो गाइस बनी तो बढ़िया है मतलब कोई पीस ज़्यादा मोटा हो गया कोई पतला हो गया और दिखाती हूँ मैं आपको ये देखो ये मैं काट ली हूँ एक बार चाशनी में डुबो रखी ताकि इसमें चाशनी सही डाल घुस जा बाकी दिखने में तो बढ़िया बन रही है इसमें प्लेट में काट डाला थोड़ी ही चाशनी और चिप जाए इस पर फिर दिखाऊंगी मैं आपने ठीक है तो ये देखो गाइस ये बनी है बस इतनी और ये मैंने जरमा गाल के सारी इसमें लटका दी ताकि इसकी चाशनी टपक जाओ बढ़िया रह जाए ठीक है तो चलो गाइस अभी मिलते हैं आपको बाद में मेरे को जाना है कहीं पर ये देखो भाई जो वो मस्त बनी जिस दुकान में बना करो सी गणा स्वाद आ रहा है एक तो देसी घी घर को ऊपर तो इतनी टेस्टी बूंदी आप लोग भी बना सकते हो भाई मैं कहूँ बढ़िया बड़ी जम्मा मस्त दुकान वाले तक बढ़िया मस्त तब मुँह पानी आ जाओ बना लियो गाइस मस्त बनी है तो भाई अपनी बूंदी बन गई है बढ़िया बनी फर्स्ट टाइम बनाई बस एक वाह कमी थी कि मेरे द्वारा वो झर झर कम थी जिस कारण उसकी शेप बिगड़ गई बाकी टेस्ट दुकान में जो देसी घी की बूंदी मिला ना जो महंगी मिले वो वाला टेस्ट आ रहा था क्योंकि भैया अपना घी वो था ना देसी घी यूज़ करे तो मस्त बननी थी घी थोड़ा सा लागो मतलब आधो लागो मैंने गाल तो उसमें आधो बच लियो तो वो मतलब मकार दो होगी भाई वो अपने खान में तो कोई रोटी चौपड़ गई तो कौन खाई जाए उसकी बट छिमकड़ में काम आ जाओ ठीक है तो चलो गाइज मैं आज को ब्लॉग याडे समाप्त कर दूँ अगला ब्लॉग में मिला हूँ आपने मार्केट में हम जाएंगे मार्केट में और आपको वहाँ पे दिखाएंगे वहाँ का व्यू ठीक है
तुमने भी ले चलना यार, तुम्हें भी बोर हो गया एड देख के, अगला व्लॉग खातर तैयार रही हो, ठीक है, और उसमें बढ़िया बढ़िया रहने वाला हूँ सारा व्लॉग वो, ठीक है। तो चलो गाइज अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और रेसिपी देख ली बूंदी की, तुम भी ट्राई करियो नेक्स्ट टाइम, वजर लेके आऊँगा जब दिखाऊंगी बना की, उसमें और भी बढ़िया बने हैं। तो ये भी मिलाऊंगा आपने अगले व्लॉग में। तो भाई सारा मेरे व्लॉग के चला कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब तो जरूर कर दिए, ठीक है। तो बाय बाय गाइज़।